राजस्थान विधानसभा में घमासान मची हुई है, सियासी गलियारे गरमाए हुए हैं। रणनीति के एक के बाद एक नए पत्ते खुल रहे हैं, तो वहीं जिस चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्ला बोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की राजस्थान में एंट्री ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि राजस्थान में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले जब राजस्थान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनावों में ताल ठोकने वाली है, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को देर शाम अलवर के टप्पू कड़ा के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां भारी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ देखी गई। वहीं ओवैसी ने ऐलान किया कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पुरजोर तरीके से अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस ऐलान के साथ ही AIMIM ने अपनी रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि हमने हमारी पार्टी की राजस्थान में कोर कमेटी बना दी है। ये कोर कमेटी जुलाई तक राजस्थान के हालातों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी अलग जगह पर प्रोग्राम करेगी जिसमें मैं खुद भी शामिल रहूंगा। इसमें हमारी सभाएं होंगी, इसमें हम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उस पर मंथन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।